दोस्तों, जया एकादशी बड़ा ही पावन त्यौहार है। आप सभी जानते हैं यह 26 अगस्त को पड़ रहा है और ऐसे में आप इस दिन एक खास उपाय के माध्यम से भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न कर सकते हैं। आपने सभी दुखों को दूर करने के लिए आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें, वो भी इस विधि से, और उसके बाद ये खास उपाय करें तो निश्चित तौर पे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे पुराणों में स्पष्ट रूप से जया एकादशी का महत्व और फल भी बताया गया है। इस व्रत को करने से और इस उपाय को करने से जातक के जन्म जन्मांतर के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में उसके परिवारजनों को जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं उनको सदगति प्राप्त होती है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। इस विषय में जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जया एकादशी का महत्व पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे इसका ज्ञान देते हुए कहा कि अगर तुम इस व्रत को करते हो तो जो भी तुमसे पाप हुए हैं या जाने अनजाने में तुमसे जो गलतियां हुई हैं उन सभी पापों का, उन गलतियों का नाश हो जाएगा और तुम्हारे पुण्य फल जागृत हो जाएंगे, जिसके माध्यम से तुम आगे आने वाले जीवन को बड़ी ही सहज तरीके से व्यतीत कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पूजा विधि बता देते हैं। आपको सायंकालीन में अपने घर में एक चौकी बनानी है। चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना है, वो भी चावल के ऊपर। उसमें हल्दी डाल कर ही आप चावल को स्थापित करें और उसके ऊपर प्रतिमाओं को स्थापित कर दें। उसके बाद उनको पीला वस्त्र अर्पण करें, केले का प्रसाद चढ़ाएं और पिंजरी भोग में लगाएं। इस दिन विशेष माना जाता है जो व्रत रखता है वह फलाहारी रहे, तो साथ ही साथ भगवान को दूध और केले का प्रसाद भी चढ़ाएं। अब इसके बाद वहीं विराजमान होकर भगवान की कर्पूर से आरती करें, माँ तुलसी के पत्तों से भगवान को माला अर्पण करें, माँ लक्ष्मी के लिए लाल कलर के पुष्प उनको अर्पित करें और भगवान विष्णु जी का यह विशेष मंत्र भी एक माला वहीं बैठकर उच्चारण करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से तो आपने यह पूजन कर लिया। अब उसके बाद माँ तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाकर माँ तुलसी की 11 परिक्रमा करें और 1 रुपये का सिक्का मात्र संकल्प लेकर अपने हाथ में काले तिल और जौ लेकर संकल्प लेकर ही आप माँ तुलसी के समक्ष उस सिक्के को गाड़ दें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान नारायण को बोल दें और साष्टांग प्रणाम कर अपने घर के मंदिर में विराजमान होकर सबसे पहले उनका प्रसाद ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, यह सरल सा उपाय करने से हमेशा आपकी हर क्षेत्र में जीत ही जीत होगी। कभी आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा या कभी भी आपको ऐसी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा जो आपको उस समय अधिक प्रिय है। तो दोस्तों, यह खास जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।